आज गोलू मोलू मोंटी बाबा के पास आए हुए हैं क्योंकि बाबा उन्हें अपने जीप से घुमाने ले जाएंगे। आज हम घूमने जाएंगे। गोलू मोलू मोंटी आ जाओ मेरी जीप में। ठीक है बाबा। गोलू मोलू मोंटी बाबा के जीप में बैठ जाते हैं। बाबा हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? मोलू आज हम पिकनिक मनाने जाएंगे। अरे वाह, तब तो मजा आएगा। बाबा गोलू मोलू मोंटी एक जंगल में आते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि ये जंगल जेफ द किलर का है। बाबा वो देखो, वहाँ कोई आदमी है। लगता है कोई लिफ्ट मांग रहा है। बाबा गोलू मोलू मोंटी को नहीं पता था कि जो आदमी लिफ्ट मांग रहा है वही जेफ द किलर है। बाबा कार रोकते हैं। मुझे आगे वाले जंगल में छोड़ दो, वहाँ मेरा घर है। ठीक है आ जाओ। जेफ बाबा की जीप में बैठ जाता है। जेफ बाबा को रास्ता बताता है अपने घर का। बाबा जेफ के घर जाने लगते हैं। वो रहा मेरा घर। बाबा जेफ के घर पे जीप रोकते हैं। जेफ बाबा से बोलता है, रात बहुत ज्यादा हो गई है, आप मेरे ही घर रुक जाइए, इतनी रात में जंगल में घूमना सही नहीं है। तो ठीक है गोलू मोलू मोंटी, आज हम इन्हीं के घर रुकेंगे। ठीक है बाबा। बाबा गोलू मोलू मोंटी जेफ के घर में सो जाते हैं। तभी रात में जेफ अपने असली रूप में मोंटी के पास आता है और उसे उठा के बाबा के जीप में डाल के भाग जाता है। और यहाँ बाबा गोलू मोलू सो रहे हैं, उन्हें नहीं पता जेफ मोंटी को लेके कहाँ जा रहा है। तभी मोलू की आँख खुलती है। मोलू देखता है मोंटी नहीं है। अले बाप ले, बाबा मोंटी कहाँ गया? बाबा गोलू उठ जाते हैं। बाबा देखते हैं मोंटी नहीं है। बाबा गोलू मोलू बाहर आते हैं। अले बाप ले, बाबा आपकी जीप तो यहाँ है ही नहीं। बाबा वो आदमी भी नहीं है जिसके घर में हम रुके हैं। वो आदमी मोंटी को मेरे जीप से लेके भाग गया है। अले बाप ले, बाबा वो आदमी मोंटी को मारना दिया हो। शांत हो जाओ गोलू मोलू। बाबा अपने जादू से ड्रैगन को बुलाते हैं। मेरा ड्रैगन आता ही होगा, वो आदमी मोंटी को ज्यादा दूर लेके नहीं गया होगा। बाबा जब मोंटी को मारने दे, हमें जल्दी से बचाना होगा मोंटी को। तभी बाबा का ड्रैगन आ जाता है। गोलू मोलू अब जल्दी से बैठ जाओ ड्रैगन पे। ठीक है बाबा। गोलू मोलू और बाबा ड्रैगन पे बैठ जाते हैं और मोंटी को खोजने लगते हैं। यहाँ जब बाबा की जीप को दूसरे दुनिया में ले जाने वाले कुएं के पास लाता है, तभी मोंटी की आँख खुल जाती है। वो देखता है कि वो बाबा की जीप में है और सामने एक आदमी है। मोंटी कुछ समझ नहीं पाता है। तुम कौन हो? मैं जेफ हूँ और मैं तुमको मार दूंगा। मुझे छोड़ दो जेफ। तभी जेफ डंडे से मार के मोंटी को बेहोश कर देता है। फिर जेफ मोंटी को उठा के कुएं में कूद जाता है। और यहाँ बाबा गोलू मोलू ड्रैगन से मोंटी को खोज रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि जेफ मोंटी को लेके दूसरे दुनिया में चला गया है। तभी मोलू की नजर बाबा के जीप पे पड़ती है। बाबा वो देखो आपकी जीप। ड्रैगन जीप के पास ले चलो। ड्रैगन गोलू मोलू और बाबा को जीप के पास उतार देता है। अले बाप ले, बाबा यहाँ तो मोंटी और जेफ है ही नहीं। तभी बाबा की नजर उस कुएं पे पड़ती है। गोलू मोलू जेफ मोंटी को दूसरे दुनिया में लेके गया है। अले बाप ले, दूसरी दुनिया? बाबा हम दूसरी दुनिया में कैसे जाएंगे? गोलू मोलू ये कुआं हमें दूसरी दुनिया लेके जाएगा। बाबा गोलू मोलू कुएं में कूद जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि दूसरी दुनिया में क्या क्या होगा। बाबा गोलू मोलू दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। बाबा यहाँ तो कोई नहीं है, जेफ मोंटी को लेके कहाँ गया होगा? तभी पीछे से रॉड बाबा को फ्रीज कर देता है।
अल्ले बाप ले, रॉड तुम यहाँ क्या कर रहे हो और बाबा को क्यों फ्रीज कर दिया? हा, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। रॉड ये क्या कर रहे हो तुम? गोलू मोलू को नहीं पता था कि जेफ ने रॉड पे जादू कर दिया है। बाबा बर्फ तोड़ देते हैं और देखते हैं कि रॉड गोलू मोलू को फ्रीज करने जा रहा है। लगता है जेफ ने रॉड पे जादू कर दिया है। बाबा अपने जादू से रॉड को सही कर देते हैं। बाबा आप, गोलू मोलू तुम दोनों, बाबा मैं यहाँ कैसे आ गया? बाबा रॉड को सारी बातें बताते हैं कि जेफ ने उस पे जादू कर दिया था और जेफ मोंटी को लेके भाग गया है। हमें जल्द से जल्द मोंटी को खोजना होगा। अले बाप ले, बाबा वो देखो क्या है। अले बाप ले, बाबा ये भेड़िया तो बहुत कंकाल लग रहे हैं, कहीं खाना ले हमें। डरो मत गोलू। बाबा जादू से कवच बना देते हैं। गोलू मोलू तुम दोनों इसी कवच में रहना, मैं इन भेड़िया को मारता हूँ। बाबा हमें जल्दी से जेफ को ढूंढना पड़ेगा, चलो रॉड ढूंढते हैं। गोलू मोलू तुम दोनों कवच में ही रहना, यहाँ दूसरी दुनिया में बहुत खतरा है। ठीक है बाबा। बाबा ऐसे खोजेंगे जेफ को तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ रॉड तुम सही कह रहे हो। बाबा अपने जादू से दूसरी दुनिया में ड्रैगन को बुलाते हैं और बाबा का ड्रैगन आ जाता है। गोलू मोलू रॉड जल्दी से ड्रैगन पे बैठो। ठीक है बाबा। गोलू मोलू बाबा रॉड ड्रैगन पे बैठ जाते हैं और जेफ को खोजने लगते हैं। यहाँ जेफ अपनी गुफा में जादुई आईने से देखता है बाबा गोलू मोलू रॉड उसे खोज रहे हैं। हा हा हा, तुम मुझे नहीं खोज पाओगे बाबा। ये बोलकर जेफ मॉन्स्टर को बाबा के पीछे भेज देता है। अले बाप ले, बाबा हमारे पीछे आइस मॉन्स्टर आ गए हैं। बाबा आप इन मॉन्स्टर को अपने जादू से मार दो। नहीं गोलू मोलू, अगर मैंने मॉन्स्टर को मार दिया तो मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और मैं जेफ से नहीं लड़ पाऊंगा। बाबा अब क्या करेंगे हम? हमें जल्द से जल्द खोजना होगा जेफ को। ठीक है बाबा। तभी एक मॉन्स्टर आके रॉड को उठा लेता है। बाबा बचाओ, मॉन्स्टर ने मुझे उठा लिया है। और मॉन्स्टर रॉड को लेकर जाने लगते हैं। अल्ले बाप ले, बाबा ये मॉन्स्टर रॉड को लेके जा रहे हैं, अब क्या करें? बाबा ड्रैगन से मॉन्स्टर का पीछा करने लगते हैं। मॉन्स्टर मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें आइसक्रीम बना के खा जाऊंगा। बाबा को गुस्सा आ जाता है और जादू से मॉन्स्टर को मार देते हैं। तभी रॉड नीचे गिरने लगता है। बाबा बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। बाबा जादू से रॉड पे पैराशूट लगा देते हैं और रॉड की जान बचा लेते हैं। बाबा गोलू मोलू नीचे आ जाते हैं। गोलू मोलू मेरी शक्तियाँ अभी कम हो गई हैं, ऐसे में जब से नहीं लड़ पाऊंगा, आज रात हमें यहीं रुकना होगा। बाबा जादू से टेंट बना देते हैं और उस पे जादुई कवच लगा देते हैं। चलो गोलू मोलू रोड सो जाओ। ठीक है बाबा। अब कौन बचाएगा मेरे हाथों से बाबा गोलू मोलू रॉड को? जेफ अपने हाथ में तलवार लेके गोलू मोलू रॉड को मारने के लिए निकल जाता है। बाबा गोलू मोलू रॉड सो रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता था कि जेफ उन्हें मारने आ रहा है। जब बाबा गोलू मोलू रॉड के टेंट के बाहर आ जाता है पर वो देखता है कि बाबा ने टेंट पे अपना कवच बना दिया है। जेफ कवच के अंदर जाने की कोशिश करता है पर नहीं जा पाता। जेफ समझ जाता है वो अब बाबा रॉड को अकेले नहीं हरा पाएगा क्योंकि बाबा की ताकत वापस आ जाएगी। लगता है अब खूनी जैसन को बुलाना ही पड़ेगा। तभी जेफ अपने दोस्त खूनी जैसन को बुलाता है। खूनी जैसन अपनी गाड़ी से जेफ के पास आता है और गाड़ी से उतर जाता है। कहाँ है बाबा और रॉड? आज इन दोनों को जिंदा मार दूंगा। अभी हम बाबा रॉड को नहीं मार सकते, वो इसी कवच के अंदर सो रहे हैं। हमें इस कवच को हटाना होगा किसी तरह से। तभी जैसन अपने जादू से एक कवच बना देता है जो बाबा के कवच को खत्म कर देगा। जैसन धीरे धीरे बाबा का कवच खत्म हो रहा है। जेफ और जैसन बाबा का कवच खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। बाबा का कवच टूट जाता है।
बाबा का कवच टूट गया। चलो जैसन, अब बाबा को मारते हैं। जेफ और जैसन टेंट के अंदर जाते हैं, पर यहाँ तो बाबा रॉड गोलू मोलू है ही नहीं। ये देख के जेफ और जैसन को बहुत गुस्सा आता है। हो हो हो, बाबा हमने क्या बेवकूफ बनाया जेफ को। बाबा ड्रैगन से मोंटी को खोजने लगते हैं, तभी बाबा को एक गुफा दिखती है। लगता है जेफ ने मोंटी को इसी गुफा में छिपा के रखा है। ड्रैगन गुफा के पास ले चलो। बाबा रॉड गोलू मोलू ड्रैगन से उतर जाते हैं और गुफा के अंदर जाने लगते हैं। अले बाप ले, बाबा ये गुफा तो बहुत डरावनी है। अले बाप ले, बाबा जेफ ने मोंटी को मार के कंकाल बना दिया। नहीं, ये मोंटी का कंकाल नहीं है। बाबा रॉड गोलू मोलू गुफा के और अंदर जाने लगते हैं। बाबा वो रहा मोंटी। बाबा अपने जादू से पिंजड़ा तोड़ देते हैं और मोंटी को होश में ले आते हैं। यहाँ जेफ और जैसन गाड़ी से गुफा के पास आ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि बाबा ने मोंटी को बचा लिया है। यही है मेरी गुफा। जैसन गाड़ी रोक देता है और दोनों गुफा में जाने लगते हैं। अले बाप ले, जेफ और जैसन। हा हा हा, बाबा अब नहीं बचोगे तुम हम दोनों से। तभी बाबा एक्सट्रीम मोड में आ जाते हैं और जेफ को मार देते हैं। ये देख के जैसन को और गुस्सा आ जाता है। अब नहीं बचेगा बाबा तू। बाबा फिर जैसन को भी मार देते हैं। बाबा ने जेफ और जैसन को मार दिया और खुशी खुशी गोलू मोलू बाबा रॉड अपने दुनिया में आ जाते हैं